देश भर में नवरात्र की धूम है। आपको एक ऐसी झांकी में लिए चलते हैं जिसे देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि इस झांकी में हुआ है 51 लाख का श्रृंगार। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस झांकी में एंट्री होते ही सबकी नजर पड़ती है इस खास सजावट पर। नोटों का वंदन बार देखिए, नोटों की झालरें और नोटों से हुआ माता का ये खास सिंगार भी। बड़े करीने से सजावट की गई है इस पंडाल की। झांकी के गेट पर ही नोटों की झालरें लगी हैं। पंडाल नोटों से सजा है, अलग अलग तरह की डिजाइन बनाई गई है। माता रानी का श्रृंगार ना तो सोने चांदी के जेवर से किया गया है, ना ही किसी और चीज से, बल्कि यहाँ आयोजकों ने नोटों से किया है माता रानी के पंडाल की अनोखी सजावट। ये तस्वीर है नरसिंहपुर की। 51 लाख नोटों से सजी इस झांकी को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। मैं सिंहपुर से स्पेशली ये देवी जी की अद्भुत प्रतिमा को देखने आई। दरअसल मैंने सोशल मीडिया पे इनकी डेकोरेशन के बारे में देखा हुआ था, तब से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि नोटों की मदद से इतनी अच्छी डेकोरेशन कैसे हो सकती है। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पे 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के नोटों से इतनी अच्छी डेकोरेशन करी है। फूल बनाए गए हैं, झालर बनाई गई है, ये बहुत ही अचंभित है और बहुत ही अद्भुत है कि लोगों ने कितनी मेहनत करी होगी ये डेकोरेशन को करने के लिए। जय हनुमान दुर्गा मंडल ने कुछ अलग करने की ठानी। करीब 250 लोगों ने मिलकर 51 लाख रुपए इकट्ठा किए, फिर कलाकारों से कराई अनोखी सजावट। मंडप की सजावट की खास बात ये है कि बाहर से आए कलाकारों ने 20, 50, 100, 200 से लेकर 500 तक की नोटों की झालरें बनाकर पूरे मंडप को बेमिसाल तरीके से सजाया है, जिसके बीचों बीच माता रानी की प्रतिमा स्थापित है। वो वीडियो में समझ में नहीं आता, इसलिए मैं सभी श्रद्धालुओं को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ साथ आके देखें। ये 9 दिन का अवसर है, ये बार बार नहीं मिलेगा और ये डिज़ाइन उसके बाद फिर से नहीं बन पाएगी, जो ये हिस्ट्री है। ये सारा पैसा जो है मंडल का, कोई सारे सदस्यों का है, इसमें यहाँ तक हो सके तो 150 का भी पैसा है मंडल। कितने कितने के नोट लगे हैं? पुराने नोट भी है कोई क्या? इसमें 100 का पुराना नोट है और बाकी 20, 50, 100, 200, 500। 51 लाख के नोट हैं तो जाहिर सी बात है सुरक्षा के भी खासे इंतजाम किए होंगे। बकायदा सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया है, सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। कलाकार ने इस तरीके से दरबार को सजाया है कि नवरात्र के बाद रुपए आराम से निकाले जा सके। ये रुपए फिर उन लोगों को बांट दिए जाएंगे जिन्होंने मिलकर ये खास तैयारी की थी। तो एक बार फिर कर लीजिए इस अनोखे पंडाल के दर्शन। नरसिंहपुर से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और सुपर सिक्स में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे, जाएगा नहीं।